चंथाल बरगना का द्वार कहे जाने वाला जसीडीह स्टेशन को जल्द ही हाई स्पीड ट्रेन की सौगात वंदे भारत ट्रेन के रूप में मिलने जा रही है। आज इसका सफल ट्रायल भी किया गया। पटना से हावड़ा के लिए आज वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल परिचालन किया गया, जिसमें सुबह 8 बजे पटना से रवाना होकर मोकामा लखीसराय होकर 10:58 में जसीडीह पहुंची। इसके बाद जसीडीह से आसनसोल और फिर 2:30 में हावड़ा ट्रेन पहुंचेगी। मौके पर स्टेशन मास्टर रवि शेखर ने बताया कि जसीडीह स्टेशन अब जल्द ही हाई स्पीड ट्रेन से जुड़ने जा रहा है, जो कि वंदे भारत ट्रेन के परिचालन से इसकी शुरुआत की जाएगी। और इसका निर्णय तो हायर अथॉरिटी के लिए दिया जाएगा। हायर अथॉरिटी निर्णय लेगा कि ये कब से चलेगी। हाँ, परंतु हम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। हम लोग एक हाई स्पीड ट्रेन का हिस्सा बने। हाई स्पीड ट्रेन का हमारे यहाँ स्टॉपेज हुआ और ये पूरे संथाल परगना के लोगों और पटना और हावड़ा के बीच जितने भी यात्री सफ़र करते हैं अब कम समय में इन दोनों जगहों की यात्रा कर पाएंगे। मतलब डिस्टेंस घटेगा, ट्रेन का स्पीड बढ़ेगा, डिस्टेंस घटेगा। तो चलिए, ये संतोष की बात है। हाई स्पीड चलने से अब डिस्टेंस घटेगा। हमें इस टाइमिंग 8 बजे पटना जंक्शन से खुली है। उस पटना जंक्शन से खुलने के बाद ये पटना सिटी, मोकामा, लखीसराय और लखीसराय के बाद डायरेक्ट जसीडीह, जसीडीह के बाद आसनसोल और हावड़ा। 14:30 ये गाड़ी हावड़ा पहुँचे। आप लोग ने क्या काफ़ी उत्साह था, हम लोग का था कि किसी भी तरह गाड़ी की कोई डिस्टर्बेंस नहीं, और अभी भी प्रयास है कि ट्रायल रन में कोई व्यवधान ना आए और सफलतापूर्वक हम लोग इसको कर ले ताकि इसका शीघ्र परिचालन शुरू हो सके और यात्रियों को एक बढ़िया सुविधा मिल सके। बस इसी में हम लोग प्रयासरत हैं और हम लोग इसमें आप लोग का भी सहयोग चाहेंगे। तो हम लोग उम्मीद करते हैं आप लोग का भी सहयोग मिलेगा और ट्रेन इसी तरह तेज गति से चलती रहेगी। धन्यवाद। वहीं जसीडीह स्टेशन पर लोग काफी उत्साहित थे। तमाम तैयारियों से पहले से ही कर ली गई थी ताकि यहां वंदे भारत ट्रेन को पहुंचने के बाद किसी भी तरह का रुकावट ना हो। वहीं वंदे भारत ट्रेन को जसीडीह स्टेशन में देखने के लिए यात्रियों की भी भीड़ देखी गई। ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए लोग सेल्फी लेने की होड़ में दिखे। यात्रियों ने कहा कि यह एक बहुत बड़ी सौगात पटना और हावड़ा जाने वाले यात्रियों के लिए होगी। जिस तरह से वंदे भारत ट्रेन देश के विभिन्न स्टेशनों से परिचालन शुरू हो गया है, वहीं जसीडीह से भी परिचालन शुरू होने के बाद यहां के यात्रियों को काफ़ी सहूलियत होगी और महज 2.5 से 3 घंटे में जसीडीह से पटना या कोलकाता भी पहुंच पाएंगे। वहीं वंदे भारत ट्रेन में कुल 8 कोच हैं, जिसमें एक इंजन, 5 जनरल बोगी के साथ 2 एग्जीक्यूटिव चेयर कार मौजूद हैं। भारत ट्रेन चलने से देवघर, जसीडीह और दुमका के पैसेंजरों को बहुत बड़ा सुविधा मिलने जा रहा है। एक समझिए संथाल परगना के लिए तोहफा है। पटना और हावड़ा जाने के लिए बहुत कम समय में लोग चले जाएंगे, इसीलिए हम लोग को एक देवघर के लोगों को एक तोहफा मिला है। हम लोग इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं दिल से देवघर के लोग इसके लिए, ताकि लोगों को सुविधा मिले और वो उस तरह से अपने आप को अपग्रेड कर पाएँ, टेक्नोलॉजी के अनुसार अपग्रेड कर पाएँ और लोग का जो आने जाने का जो सुविधा है वो तो और इससे ज़्यादा भी अपडेट होना चाहिए और सब जगहों के मुताबिक, क्योंकि बहुत सारे जगहों से होता है कि कम्युनिकेशन नहीं होने के कारण और वो कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण बहुत सारे लोग को बहुत असुविधा होती है। ये सब सुविधाएँ होने से थोड़ा सा लोगों को सहूलियत होगी और मतलब समय का भी बचत होगा और बहुत सारी चीज़ की सुविधा मिलेगी। बहुत अच्छा लगा, देख के खुशी हो रही है कि जैसे भी हमारा प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत अच्छी अच्छी ट्रेन भी चल रही है अब पहले से मुताबिक अच्छा है। आने जाने का सुविधा भी बढ़ा हुआ है, अब बहुत अच्छा लग रहा है। पटना और हावड़ा नज़दीक हो गया। पटना हावड़ा के लिए अब यहाँ से हावड़ा 3 घंटे है, पटना भी 3 घंटे है, आपका बराबर समय का बचत होने से बहुत अच्छा लग रहा है।